आप सभी का स्वागत है। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का आज नांदेड़ में राष्ट्रीय अधिवेशन, 15 राज्यों से प्रतिनिधि हुए शामिल। ओबीसी नेता पूर्व सांसद हरिभाव राठौर भी संगोष्ठी में लेंगे हिस्सा। देश भर में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है इसका सही सही अनुमान सरकारी दफ्तर में नहीं है। ओबीसी समुदाय विभिन्न जातियों में बांटा गया है, इसलिए ओबीसी संगठन मजबूत नहीं हो सका, किंतु भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के अगुवाई में धीरे धीरे ओबीसी समुदाय में चेतना जागृति हो चुकी है। ओबीसी के नेताओं के माध्यम से शोषित पीड़ित वंचित समुदाय के लोग एक मंच पर अपने न्याय और अधिकार के लिए सामने आए हैं। ओबीसी चेतना जागृति के चलते नांदेड़ के पवित्र नगरी में इस संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया। भारत देश के 15 राज्यों से इस संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ओबीसी की जनगणना के अलावा अन्य समस्याओं पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में विचार मंथन होगा। दो दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अनेक विद्वान अपने विचार पटल पर रखेंगे। ओबीसी आप अपने न्याय और अधिकार के लिए एकजुट हुए हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। नांदेड़ से बन्नी चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज इंडिया। कि जब कॉम्पिटिशन में ये था कि आपने आयोग बनाओ और ओबीसी के लिए प्राविधान करो, लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजाइन किया, उसमें लिखा था कि ओबीसी के लिए जो आयोग बनना था वो नहीं बना, इसलिए मैं जो रिजाइन दे रहा हूं उसमें ये भी बात उन्होंने लिखी थी। लेकिन हमारे लोग जागरूक नहीं हुए। आखिर में एक भाषण में डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि जो ओबीसी है वो सोया वहां की है, वो सोया वहां की है, जिस दिन वो जाग जाएगा उस दिन पूरी सरकार अपने कब्जे में लेगा और इस देश का सर्वसर्वानंद बन सकता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये जो माहौल है मुझे लगता है कि बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे कुल में भी है, वो कामयाबी मिले न मिले, कामयाबी मिले न मिले वो तो कुदरत के हाथ में है, लेकिन कुछ न करना धन्यवाद। अरे आगे का बताओ, यातना आगे का बताओ चंगा जी। इसलिए यातना नहीं अब ऋण होगा और संघर्ष बड़ा विषय होगा। जब तक सच्चा ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। हम तो बड़ी जोर से हम बोलते जय संविधान, तो संविधान कागज में है, संविधान कागज में है, जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का तो वो अमल में नहीं आता। आज तो सब उल्टी बातें हो रही है, संविधान को तोड़ मरोड़ कर सब काम किए जा रहे हैं और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, और जो बोलता है संविधान को तोड़ दिया तो ठीक है जाओ तोड़ लो, तारीख की तारीख चले, हमारा तो काम हो जाएगा। तो संविधान कभी जाएगा, संविधान कभी मजबूत होगा और संविधान कभी आगे आएगा जब 52% ओबीसी जो है वो पॉलिटिकल पावर में पूरे पूरे जब तक नहीं आ जाते तब तक संविधान भी मजबूत नहीं रहेगा, सिर्फ कागज पे रहेगा। देखो ओबीसी को कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, लोग जा रहे पिटिशन कर रहे हैं कि नहीं इनका निकालो, इनको ज्यादा हो गया है, इसके तरफ हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा ध्यान जो है उद्देश्य की तरफ, गोल की तरफ होना चाहिए। ये सब भटकाने की बात चल रही है, जाटपुर डालो, मराठापुर डालो, पटेलपुर डालो, ये हमको भटकाने की बात हो रही है।
हिंदू किसी का निकाल लो, इनका कम कर लो, ये सब भटकाने की बातें हो रही है। वो तो हमारा एक जो छोटा सा जो एडमिट करके जो यूनिफाइ बुक करेंगे वो कोर्ट में जाएंगे वो बोलेंगे, लेकिन सबका ध्यान एक बात होना चाहिए कि 2021 की जो देश की जनगणना होने जा रही है, सेंसस ऑफ इंडिया जो 2021 में होने वाला है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इस 2021 के सेंसस में हर जाति की गणना होनी चाहिए, हर जाति कास्ट वाइज सेंसस ऑफ इंडिया, हर जाति की, हर उपजाति, हर धर्म, हर धर्म के अंदर जो जातियां हैं वो जातियां हैं सब कास्ट है, उनकी भी गणना होनी चाहिए। ये जवाब में देखो अंग्रेज जनता के तब पर तो सब हो रहा है, सबकी गिनती हो रही, सब जातियों की गिनती हो रही, लेकिन जैसे ही अंग्रेज चले और देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था नेहरू के नेतृत्व में, देखो 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए, मंत्रिमंडल स्थापित हुआ नेहरू जी का, और ये मंत्रिमंडल की जो मीटिंग पहली मीटिंग हुई तो पहले ही मीटिंग में पहला ही एजेंडा रखा गया है। देखो जल्दी क्या है, देखो इस देश में जब अपर कास्ट में लोग पॉलिटिकल पावर में जब आ जाते हैं तो उनका पहला काम कौन सा होता है, पहला काम कौन सा होता है, तो नेहरू मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग में पहली बात रखी गई वो बात क्या थी कि अपने बाद स्वतंत्र भारत में जब भी जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसमें दलितों की गिनती होगी, आदिवासी की गिनती होगी, मुसलमानों की गिनती होगी, बिल्कुल ये तो बुंदी वगैरह वगैरह जो है प्राणी है सबकी गिनती होगी। और आगे उसमें क्या लिखा उन्होंने, सबकी गिनती होगी लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होगी। तो प्रायोरिटी क्या थी, प्रायोरिटी थी ओबीसी। क्यों भाई इतना इतना डर क्यों भाई ओबीसी, ओबीसी की गिनती होने से इनको क्या डर, क्यों डरते हैं ओबीसी लोग, कहते हैं कि ओबीसी सोया हुआ है इसलिए वो ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे भाई अब ओबीसी अगर सोया हुआ है तो सोए हुए प्राणी को कौन डरता है, कोई नहीं डरता। नांदेड़ में तो पहले हमने ओबीसी का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था, यहाँ जो जनगणना के बारे में नांदेड़ में ही मीटिंग हुई थी, और हमारे माचनवार साहब जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अभी राष्ट्रीय शोषित ओबीसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि क्यों न पहला मान जो है अपना महाराष्ट्र में, और जो नांदेड़ गुरुद्वारा है यहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा हुजूर साहब का, और इसलिए हमने ये स्थान चुना है। और अब जो ओबीसी में जागृति आई है, जहाँ तक मराठा समाज आरक्षण की उन्होंने मांग की थी, हमारा ये कहना था कि भाई मराठा समाज को भले ही आप अलग आरक्षण दो लेकिन ओबीसी में मत दो, और दूसरी बात यह है कि अब लोग हमारे ऊपर भी यूँ समझो कि कोर्ट केसेस कर रहे हैं, विमुक्त और घुमंत ओबीसी समाज को आरक्षण दिया है उसके बारे में भी चर्चा होगी। और ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है नांदेड़ में, यहाँ से एक नया मैसेज हम देने वाले हैं,
कि अब थोड़ा थोड़ा अपना ओबीसी समाज जागने लगा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ओबीसी को जगाने में कामयाब नहीं हुए बाबा साहब जी। उसके बाद काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम नई सीरीज से हम ओबीसी को जगाना चाहते हैं। हम हमारी जो सरकार के पास मांग रहेगी वो तो हम बाद में, पहले तो हम हमें हमारे समाज को जगाना है। ये पूरा सोया हुआ समाज है। बाबा साहब ने बोला था कि ओबीसी का मतलब है अब ये सोया हुआ हाथी है, जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा इस देश का नक्शा बदल देगा। ये बाबा साहब का कहना था। और बाद में बहुत कुछ प्रयास हुए लेकिन ओबीसी करके संगठन मजबूत नहीं हुआ। हमारा प्रयास है, हम उसको देश में फैलाएंगे और हमारी जो मांगे हैं और ओबीसी के जो भी समस्या है वो हम सरकार के पास पुरजोर तरीके से रखना चाहते हैं। सर दूसरा प्रश्न ये था कि क्या ओबीसी की जनगणना आवश्यक क्यों है, इस पर क्यों जोर दिया जा रहा है? नहीं, जनगणना अगर नहीं हुई तो आप उनका कोई विकास नहीं कर सकते। जनगणना तो बेस होता है, हर एक प्लानिंग का बेस होता है। अपने प्लानिंग कमीशन में भी जब तक आपको स्टैटिस्टिक नहीं है आपके पास, तो आप किस समाज का क्या, कितनी प्रगति हुई है, उनकी क्या स्थिति है, कितने परसेंटेज में वो लोग हैं, कैसे कैसे दूर दराज में शहर में कितने रहते हैं, दूर दराज में कितने रहते हैं, खेती कितने करते हैं, मजदूर कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, ये स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने का जायजा जरिया ही एक जनगणना है। अगर आपके पास जनगणना नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे अभी मराठा आरक्षण को 16% देख दिया, हमारा कहना है कि 16% है ही नहीं, केवल 8% है, फिर 16% उसको दे दिया। अगर 8% है तो उनको 4% आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि 50% की इसमें हाईकोर्ट ने 50% का सीमित रखा है, उसके ऊपर आप नहीं दे सकते हैं। ऐसी बातें आएगी, और इसलिए जनगणना यही एक सामाजिक न्याय के लिए उचित रहेगा। यह हमारा लगता है कि आज का जो अधिवेशन है समस्त ओबीसी बंधुओं के लिए चेतना जागृत कर जाएगा? जरूर जरूर, ये आज के अधिवेशन में सारे अदर स्टेट से भी लोग प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे, और दो दिन की चर्चा होने के बाद जो भी निचोड़ आएगा उस और जो भी प्लानिंग होगा, अगली रणनीति हम तय करेंगे और रेजुलेशन भी पास करेंगे इसमें, और जो रेजुलेशन पास हो गए उस तरह हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आज का जो अधिवेशन नांदेड़ शहर में है, भारतीय पिछड़ा ओबीसी शोषित संगठन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 22 दिसंबर और 23 दिसंबर ऐसे दो दिन का अधिवेशन है। यहाँ पे दो दिन के अधिवेशन के लिए तकरीबन 20 या 22 राज्य के लोग यहाँ पे आए वाले हैं। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ऐसे बहुत से राज्य के लोग यहाँ पे आए वाले हैं। और ये जो अधिवेशन है दो दिन चलने वाला है। ये अधिवेशन की अध्यक्षता श्रावण देवरे सर, एक मनराज शास्त्री और हरिभाव राठौड़, इनकी उपस्थिति में यहाँ का दो दिन का अधिवेशन ये चालू है। और अधिवेशन लेने की जो जरूरत गिरी तो जातीय जनगणना, अभी तक यहाँ की जो गवर्नमेंट है भारत सरकार, अभी तक 1931 से लेकर अब तक जाति न्याय जनगणना करी नहीं, इसलिए इस दो दिन का जो चर्चा सत्र है, परिसंवाद है, जातीय जनगणना होने की जरूरत क्यों है, इस विषय पर, सब्जेक्ट पर दो दिन का ये अधिवेशन चालू है। तो इसमें ये बताएं कि 2019 के निकट भविष्य में क्या ओबीसी की जनगणना होगी, ऐसा आपको लगता है? अगर सरकार, जो आने वाली सरकार है अभी है, उन्हें अगर 2021 को जनगणना करने की हमको जो आश्वासित नहीं किए और करके नहीं दिए,
तो उसके पहले हम ओबीसी की सरकार लाना चाहते हैं, उसमें बहुजनों को मिला के ओबीसी की सरकार और पीएम और सीएम ओबीसी की रहना चाहिए, ऐसा हम यहाँ पे ये अधिवेशन में हम डिसाइड करने वाले हैं। ये है टीटीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज इंडिया।